आज हम लोग संबलपुर में, संबलपुर उड़ीसा, उड़ीसा संस्कृत समाज में एक विराट मीटिंग हो रही है कांग्रेस की। कांग्रेस को किस तरह आगे बढ़ाइए उसके ऊपर भी बहुत चिंता है। तो मैडम, सबसे पहले आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम चंद्रलेखा पांडे। जी मैडम, आज जो जी आज जो मीटिंग आपने ऑर्गेनाइज की, इसके बारे में बताएंगे? आज की हमारी मीटिंग थी आज से 4 साल पहले, 16 नवंबर 2017 को राहुल गांधी जी ने स्थापना किया था अनऑर्गेनाइज असंगठित कामगार कांग्रेस का। तो आज उसी का जन्मदिन था, उसी के उपलक्ष्य में हम लोगों ने ये कार्यक्रम आयोजित। जी सर, तो आप लोग अभी विचार करें किस तरह कांग्रेस को आगे बढ़ाएंगे, जिस तरह कांग्रेस धीरे धीरे लुप्त हो गया अब फिर वापस चालू। हम इस विचार से आगे हैं, हम ये भावना लेके चल रहे हैं कि कांग्रेस आने वाले दिनों में कांग्रेस वापस आएगी, और इसके लिए हम जीत और मेहनत भी कर रहे हैं। और हम जन जागरण अभियान के तहत घर घर में जाके हर एक सदस्य के साथ मीट करेंगे और इसी को लेके आगे बढ़ेंगे। जी सर, थैंक यू मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सर, सर आपका नाम बताएंगे? मैं विद्याधर महंती हूँ, मैं उड़ीसा की चेयरमैन हूँ। जी सर, आज हम लोग का यहाँ पे जो 4 साल के दिवस ने हम जन्मदिन मनाया, आपको मालूम है जितना तमाम उड़ीसा और भारतवर्ष के 91% वर्कर्स आर वर्किंग अंडर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, बट नाइदर द सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट कंसिडरिंग दैट डिमांड। उसका खिलाफ हम लड़ते हैं, जिसको सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलते हैं, मान लीजिए जो घरौली काम करते हैं, जो खेत में काम करते हैं, जो ऑटो चलाते हैं, जो रिक्शा पुलर है, जो निर्माण काम करते हैं, उसको कोई सिक्योरिटी नहीं है, सोशल सिक्योरिटी नहीं है। इस मुद्दा को लेकर हमारे कामगार कांग्रेस ने 4 साल से जो मेहनत करके मूवमेंट किया है, अगला दिन में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में उसको मेंबरशिप बढ़ाने का बावजूद भी हम लड़ाई जारी करेंगे। जब नरेंद्र मोदी और नवीन पटनायक ये जो कानून बना है, ये कॉमन कानून को बदला नहीं आएंगे, ये खिलाफ हम लोग लड़ेंगे, ये हमारा आज मुद्दा है, इसको लेके हम आगे बढ़ेंगे। तो सर, जिस तरह आप कहते हैं कि कांग्रेस को आगे बढ़ाएंगे, घर घर जाके मेंबरशिप बनाएंगे, तो टोटल आप कितना लक्ष्य रखते हैं कि मेंबरशिप बनाने के लिए? हम लोग का मेंबरशिप अभी कांग्रेस पार्टी ने उड़ीसा में 20 लाख का जो मेंबरशिप लिया है, हम 2 लाख कामगार को पहले वहां पे जोड़ेंगे, ये हमारा है। जो पहले कानून लाए थे कांग्रेस के टाइम में 96 में कंस्ट्रक्शन एक्ट और 2008 में अनऑर्गेनाइज एक्ट, अभी मोदी ने उसको तोड़ने के लिए कोशिश करता है, इसका खिलाफ हम लड़ेंगे। हमारा मेंबरशिप को ज्यादा बढ़ाएंगे, कांग्रेस को स्ट्रेंथन करेंगे, हम लड़ेंगे, ये हमारा मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस तरह चक्का घूमता है तो वापस हम चक्का घूम घूम के कांग्रेस फिर वापस आएगा, वही हम चाहते हैं। ये चक्का देश को पहले बचाना है, देश को बचाना है तो कांग्रेस को पहले बचाना है, कांग्रेस को बचाने से देश बचेगा, ये हमारा नारा है। अभी हमने देखा कि किस तरह कांग्रेस में बड़ा जोश है, बड़ा कार्यकर्ता में जोश है, आज इतना जोश देखते हुए भी अब लगता है आवाज को हम बधाई देता है। आज इतना मेहनत से आप हाईलाइट कर रहे, हम आपको बधाई करते हैं।